children, how are you all? I hope you all are fine at home and studying. Okay, now children, today we will learn about the three-digit number, and in this exercise we have to learn write the ascending orders and descending orders. Okay, so firstly we will learn ascending order. Children, what is ascending order? I know you know, but I am revising. What is ascending order? Ascending orders means the numbers are arranging from smallest to greatest. Got it? Means आपको नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि छोटे से बड़े नंबर की ओर हमें जाना है. सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर इस तरह से हम सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिखते हैं. अंडरस्टूड? जैसे कि आपके पास मान लीजिए हम अगर 1, 2, 5 नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे काउंटिंग लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, मींस हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया. अब व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर? Descending orders, order means numbers are arranging in from greatest to smallest. Okay, means हमें numbers को numbers में सबसे बड़े number को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटे नंबर को, फिर उससे छोटे नंबर को, और लास्ट में हम सबसे छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको 1, 2, 5 का एग्जांपल दिया है, सबसे इजी एग्जांपल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा होता है, 5. उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 5, देन 3, देन 2 एंड देन 1. दिस इज descending order of numbers from 1 to 5. Okay, now see, अब आपके question में दिया हुआ है बच्चों 128 को ascending order में लिखना है. Okay, write 10 consecutive numbers in ascending order. 128 आपको book में दिया हुआ है question में, अब आपको लिखना है. देखिए, कंसेक्यूटिव मींस लगातार. ओके, मींस आपको कंटिन्यूअसली 10 नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. आपको नंबर दिया हुआ है 128. सो व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 128? 128 के बाद क्या आता है बच्चों? जैसे 8 के बाद 9 आता है, ठीक वैसे ही आपको 129, फिर उसके बाद 130, ओके, फिर 131, नेक्स्ट 132, नेक्स्ट 133, 134, ओके, गॉट इट, 135, 136, and then at last 137. यहाँ पर हमारी काउंटिंग, क्योंकि ये 10 consecutive numbers को कह रहा है, हमें केवल 10 numbers को ही लिखना है. Okay? अब आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि जैसे ascending order means हमें ऊपर चढ़ते चले जाना है. जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ने में क्या होता है, हम पहले सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है. ठीक, ओके, यानी कि हमारा जो नंबर होगा, यहां पर ये नंबर हमारा है
128, ये नंबर हमारा होगा 129, इस पॉइंट पे हमारा नंबर होगा 130, इस पॉइंट पे हमारा नंबर होगा 131, इस पॉइंट पर हमारा नंबर होगा 132, नेक्स्ट 133, नेक्स्ट 134, नेक्स्ट 135, नेक्स्ट 136 एंड देन 137. ओके, नाउ दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. जब हम नंबर्स को बढ़ते क्रम में देखेंगे, मतलब हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. ठीक रिवर्स में बच्चों कैसे होता है, यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नंबर्स को उल्टे क्रम में लिखेंगे, यानी कि फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तब आप क्या करेंगे, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स आप 137 से स्टार्ट करेंगे और 136 देन 135 देन 134 मीन्स आपकी जो काउंटिंग चलेगी वो फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलेगी, यानी कि आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक चलते चले जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पर आपने ये असेंडिंग ऑर्डर देखा, ठीक इसी तरह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर इस नंबर का कैसे बनेगा, 137 देन 136 135 134 133 132 131 130 129 and 128. Okay, got it? I hope you understood very well, children, and try to solve the questions. Thank you.